हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवयुः का सोपानक रूप आइसोलेन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का सोपानक रूप क्या होता है, यही जो है आज स्टडी करेंगे। तो किसी मैट्रिक्स का सोपानक रूप होने के लिए जो है निम्न कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये है कि उस मैट्रिक्स में अशून्य पंक्तियों की संख्या शून्य पंक्तियों से पहले होनी चाहिए। क्या है? अशून्य पंक्तियों की संख्या शून्य पंक्तियों से पहले होनी चाहिए। ठीक, पहला कंडीशन। जैसे देखते हैं, जैसे है 1 2 3 0 1 2 0 0 0। ठीक, 3x3 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है। तो इसमें जो है सोपानक रूप वही होगा। क्या है कि अशून्य पंक्तियों की संख्या शून्य पंक्तियों से पहले होनी चाहिए। तो अशून्य पंक्ति क्या है कि वह पंक्ति रो जिसका जो है सभी एलिमेंट का मान शून्य ना हो। ठीक, अर्थात उसमें जो है कोई ना कोई एलिमेंट हो। तो जैसे इसमें है, ये देखिए, ये पंक्ति 0 0 है अर्थात ये शून्य पंक्ति है। इसमें जो है 0 और 1 और 2 है अर्थात ये अशून्य पंक्ति है और यह भी अशून्य पंक्ति है। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि शून्य अशून्य पंक्तियों में यदि किसी पंक्ति में उसके पीछे वाले पंक्ति में ठीक 1 0 है तो उसके आगे वाले पंक्ति में 1 से अधिक 0 होना चाहिए और उसके अगले पंक्ति में उससे अधिक होना चाहिए। ये दूसरा कंडीशन है कि किसी अशून्य पंक्ति में अशून्य अवयव से पहले ठीक पहले शून्य की संख्या ठीक अगले पंक्ति में अशून्य अवयव से पहले शून्य की संख्या अधिक होनी चाहिए। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे आपका जो है पंक्ति है, जैसे 1 2 3 0 1 2 0 0 1। ठीक, तो दूसरा कंडीशन यही है। देखिए, किसी अशून्य पंक्ति में अशून्य अवयव से पहले शून्य की संख्या अगले पंक्ति में अशून्य अवयव से पहले शून्य की संख्या अधिक होनी चाहिए। अर्थात देखिए, इसमें यह भी अशून्य पंक्ति है
तो इसमें शून्य की संख्या यदि दो है, ठीक, तो इसके पहले वाले पंक्ति में एक है तो इससे अधिक इसमें है, फिर अगला यदि पंक्ति होगा इससे अधिक आर्डर की जो है मैट्रिक्स होगा तो उसमें जो है इससे अधिक जो है अगले पंक्ति में होगा, ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन ये है कि अशून्य अवयव जो है अशून्य पंक्ति में अशून्य अवयव इकाई होने चाहिए, प्रथम अवयव क्या होने चाहिए, इकाई होने चाहिए, लेकिन यह कंडीशन जो है कोई जरूरी नहीं है, मतलब मस्ट नहीं है कि इकाई ही हो। अर्थात जैसे यहाँ पर हम दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे देखिए 2, 4, 6 ठीक, 0, 1, 2, 0, 0, 3 ये भी हो सकता है। तो यह जो है मैट्रिक्स सोपानक रूप का आइसोलान फॉर्म का जो है मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि देखिए इसमें जो है आइसोलान फॉर्म क्या है, ये भी आइसोलान फॉर्म में है, ये भी आइसोलान फॉर्म में है, और ये भी जो है आइसोलान फॉर्म में है। तो इस प्रकार जो है किसी मैट्रिक्स का आइसोलान फॉर्म देखें, ठीक, अब किसी मैट्रिक्स का जो है न्यूलिटी शून्यता क्या होती है देखते हैं। न्यूलिटी किसी अवयव की शून्यता, ठीक, किसी अवयव की शून्यता को जो है एन ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एन ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। यदि कोई वर्गाकार अवयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और वह एन आर्डर का है और उसका जो है रैंक आर है, ठीक, वो क्या है एन एन आर्डर का, अर्थात एन कोटि का वर्गाकार अवयव है, ठीक, तथा कोटि उसके बाद जो है रैंक एन क्रम का कोई वर्गाकार अवयव है तथा आर कोटि हो, उसकी कोटि जो है आर हो तो उस अवयव की शून्यता, ठीक, एन ए बराबर हो जाएगा आपका एन माइनस आर, और यहाँ पर यह आर जो है कोट जो है उस अवयव की इज इक्वल टू या लेस देन एन होनी चाहिए, अर्थात दिए गए वर्गाकार क्रम का जो है जो अवयव होगा उसकी जो है कोट जो है उसके या तो आर्डर के बराबर होगी नहीं तो आर्डर से कम होगी, ये कंडीशन होना चाहिए। इस तरह शून्यता फाइंड करेंगे। आइए अब फाइंड करते हैं किसी जो है दिए गए अवयव को आइसोलान फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी शून्यता और रैंक को फाइंड करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन नोट करते हैं, यहाँ पर है अवयव ए बराबर
माइनस वन टू थ्री माइनस टू टू फाइव माइनस फाइव वन टू थ्री माइनस एट फाइव और टू फाइव माइनस ट्वेल्व माइनस वन और सिक्स। हमें फाइंड करना है क्या इस दिए गए आव्यूह को पहले जो है आइसोलान फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके जो है इस आव्यूह की रैंक और क्या शून्यता फाइंड करिए। वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर अर्थात फोर बाई फोर ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है। तो हमें फाइंड करना है ज्ञात करना है क्या रैंक ठीक और इस आव्यूह की शून्यता। आइए फाइंड करते हैं ठीक। फाइंड करेंगे ठीक। देखिए ये क्या करते हैं इसमें चेंजिंग करेंगे जैसे R2 को रिप्लेस करेंगे R3 को रिप्लेस करेंगे और R4 को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर जो है रिप्लेस करते हैं R2 को रिप्लेस करते हैं R2 प्लस टू R1 से पहला और दूसरा जो है रिप्लेस करते हैं R3 को भी R3 प्लस थ्री R1 से और R4 को रिप्लेस करते हैं R4 प्लस फाइव R1 से। तो यह जो है इस आव्यूह का मान जो है यहाँ पर जो है नोट करते हैं ठीक A बराबर। अब देखिए रिप्लेस करिए R2 को R2 प्लस टू R1 से रिप्लेस करेंगे तो कितना बचेगा पहले तो जो है माइनस वन टू थ्री और ये माइनस टू। अब जो है टू R1 अर्थात इसमें टू से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें यहाँ पर हो जाएगा आपका ज़ीरो ठीक। यहाँ पर जो है फोर और माइनस फाइव माइनस वन फिर सिक्स में से सिक्स और प्लस वन ये हो गया आपका सेवन ठीक। और ये हो गया माइनस फोर और प्लस टू तो ये हो जाएगा आपका टू टू R1 है ठीक। तो ये आपका हो जाएगा माइनस टू। इसी प्रकार R3 को क्या हो गया आपका जीरो ठीक थ्री R1 सिक्स और माइनस एट तो ये कितना हो गया आपका माइनस टू। ये कितना हो गया सिक्स और फाइव ये आपका हो जाएगा नहीं नाइन और प्लस फाइव ये हो गया आपका फोर्टीन। अगर सिक्स ये सिक्स था और माइनस एट ठीक है यहाँ पर माइनस सिक्स और प्लस टू माइनस फोर। अब R4 में R4 को रिप्लेस करते हैं फाइव R1 से तो यहाँ पर माइनस फाइव और फाइव ज़ीरो ठीक। यह टेन और माइनस टू माइनस टू यहाँ पर 15 और माइनस वन 14। इसी प्रकार माइनस 10 और 6 माइनस 4 ये आपका हुआ। अब जो है दूसरा चेंजिंग क्या करते हैं R3 को। अब देखिए R3 इसको
इसमें से देखिए आर थ्री को रिप्लेस करते हैं आर थ्री माइनस टू आर टू से। देखिए यहाँ पर आर थ्री और माइनस टू आर टू, और उसके बाद जो है आर फोर को रिप्लेस करते हैं आर फोर, आर फोर माइनस फिर टू आर टू से, ये आर फोर होगा। अब देखिए तो इस प्रकार ये जो है आ जाएगा आपका ए बराबर क्या आएगा माइनस वन टू थ्री माइनस टू ठीक जीरो माइनस वन सेवन माइनस टू। अब देखिए आर थ्री को रिप्लेस करिए आर थ्री माइनस टू आर टू से, ये टर्म जो है शून्य होगा ठीक, जीरो 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 और जीरो। इसी प्रकार इस आर फोर को आर फोर माइनस टू आर टू से रिप्लेस करेंगे तो यह भी टर्म शून्य हो जाएगा टोटल ठीक। ये इस प्रकार ये देखिए इसमें जो है दो पंक्ति का मान जीरो जीरो हो गया और अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है दो है। तो इस प्रकार जो है इस जो है मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा यहाँ पर फाइंड करते हैं, रैंक आपका हो गया दो ठीक, और न्यूलिटी कितनी हो गई शून्यता। तो शून्यता को कैसे ज्ञात करते हैं, दिए गए मैट्रिक्स का क्रम ठीक और माइनस रैंक, इसका क्रम कितना है फोर और माइनस रैंक जो है आपका हो गया टू, इस प्रकार टू। तो इस प्रकार दिए गए मैट्रिक्स को आइसोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके रैंक और शून्यता न्यूलिटी दोनों चीज़ फाइंड किए ठीक। इस प्रकार जो है किसी दिए गए मैट्रिक्स को जो है आइसोलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और आइसोलॉन फॉर्म है क्या ये देखें ठीक। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूले। धन्यवाद।